हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव प्रभु माँ दुर्गे के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि नवरात्रि का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो हम भी जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें बहुत सारी नवरात्रि से रिलेटेड शॉपिंग करनी थी, माँ का पूजा से रिलेटेड बहुत सारा सामान लेना था। चूँकि मैं नवरात्रि इस बार नहीं कर रही हूँ, कुछ रीज़न है इसलिए, तो संदीप ने बोला कि मैं करूँगा इस बार नवरात्रि। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे और संदीप स्कूटी चला रहे थे और मैं पीछे बैठी हुई थी। यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं मार्केट। यहाँ पे मैं आई थी बहुत एक धूप के लिए, धूप मत पूछो धूप के लिए मैं कहाँ कहाँ गई, बट फिर भी यहाँ पर मुझे धूप नहीं मिला। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं मार्केट आ तो गई थी बट इतनी भीड़ देख के मेरा सर घूम रहा था और मुझे लग रहा था कि बस किसी तरह से हम यहाँ से जल्दी ही निकले, क्योंकि मेरा सच में सर घूम रहा था इतना ज़्यादा लोग को देख के। और जब मैं मार्केट गई थी तो हर तरफ मोदी जी का ही जय जयकार था, हर तरफ बीजेपी ही प्रमोट हो रहा था क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका था। फिर भी यहाँ पे हर तरफ देख रहे, कोई गाना गा रहा है, कोई जुलूस निकाला हुआ है, कोई डांस कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोग कैसे बीजेपी को प्रमोट करते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो है जाने का टाइम हो चुका था, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हे गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर और मत पूछिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो आज जो है 2nd October था, चूँकि जितने भी ऑफिस वाले लोग होंगे सबका छुट्टी होगा, ऊपर से दुर्गा पूजा कल से स्टार्ट है, तो जितने भी लोग थे सारा लोग वहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आए हुए थे, तो बहुत रश था, बहुत रश। और यहाँ पे मेरा सारा सामान आ गया है, मेरा सारा सामान पूजा पाठ का आ गया है। तो आज है नवरात्रा का पहला दिन और मैं बैठ के पूरा मंदिर जो है सजा रही थी, माँ को स्नान कराया, फिर फल फूल सारा चीज़ मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि दुर्गा पूजा का फर्स्ट डे था। यहाँ पर हमारी हो गई है पूजा। पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि चलो माता रानी का क्लिप ले लेते हैं, बट ब्लर आ रहा था कैमरे में, समझ में नहीं आया क्यों आ रहा था, क्योंकि मैं माता रानी को मैंने पूरे फूल से ढक दिया था शायद इसलिए। और ये है मेरी माता रानी का पूजा जो हमने किया है दोनों ने मिलके। और यहाँ पे माता रानी में भी प्रसन्न हुई है नहीं हुई है ये तो परमात्मा ही जाने, बट यहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छे से फुचकी ने भी माता रानी की पूजा की है। भगवान हमेशा इसको खुश रखे। इतने अच्छे से भगवान जी की आरती दिखा रही है। मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों ने मिल के पूजा किया है गाँव वाले घर में। खैर, आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।